यूपी के हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक शुक्रवार को अचानक सीतापुर सीएचसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। वहां उन्होंने महमूदाबाद सीएचसी का हाल देखा तो दंग रह गए। अटेंडेंस रजिस्टर से 6 से ज्यादा कर्मचारी गायब थे। कई तो ऐसे कर्मचारी थे जिनके एक एक साल से रजिस्टर पर दस्तखत ही नहीं थे। ये देखकर स्वास्थ्य मंत्री ने वहीं से सीएमओ को फोन किया। सीएमओ को डांटते हुए उन्होंने पूछा कि आप करते क्या हो, आपने कब महमूदाबाद सीएचसी की विजिट की थी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया जिसमें 6 से अधिक कर्मचारी गायब मिले। एक कर्मचारी के सालों से गायब होने पर डिप्टी सीएम भड़क गए। आज महमूदाबाद का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका निरीक्षण हमने किया है और मरीजों से हमने व्यक्तिगत बात की है। सरकार की जो योजनाएं हैं सभी मरीजों तक पहुँचे, हमने इस बात के लिए यहाँ के जो चिकित्सा और कुछ चिकित्सक और जो पैरामेडिकल पाया है उनको नोटिस जारी कर पूछा जा रहा है कि क्यों गायब हैं, कहाँ गायब हैं, कितने दिन से गायब हैं और समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाए। सर, कई अस्पतालों में आप निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं, ये सीतापुर में आप पहुँचे हैं, इससे पहले लखनऊ, बाराबंकी और बिकापी। देखिए कल भी हमने और इससे पहले प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सकों को हमने करबद्ध अनुरोध किया था, कृपया मरीजों को भगवान मान करके उनकी सेवा करें। अस्पताल परिसर में जो भी मरीज आए वो हमारे परिवार का सदस्य हो, उसकी पीड़ा को दूर करें, उसको संतुष्ट करें और अस्पताल परिसर की साफ सफाई, पीने का पानी, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, उनके बैठने का इंतजाम, परिजनों के लिए इंतजाम करें। और मैं सभी अस्पतालों में जाऊँगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के जो शहर के अस्पताल हैं सब में जाऊँगा और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि हमारी इसमें मदद करें। उन्होंने सीएचसी अधीक्षक और सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान कई अन्य खामियां मिलने से ब्रजेश पाठक ने कड़ी नाराजगी जताई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जब से स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है तब से उनका औचक निरीक्षण जारी है। अभी हफ्ते भर पहले वो बाराबंकी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच चुके थे। बाराबंकी जिला अस्पताल में पहुंचने पर उन्होंने पर्चा बनवाया, ओपीडी, अल्ट्रासाउंड कक्ष समेत कई स्थानों का निरीक्षण किया, हर जगह उन्हें अव्यवस्था मिली। इस पर सीएमओ को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। इससे पहले लखनऊ के केजीएमयू का भी डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। स्वीकृति तो आप कागज में दोगे ना, कैसे मुझे वाली दे सकते हो, दिखाओ ना कागज कहाँ है।